हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स स्पार्क। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स। देखिए, वेक्टर्स क्या होते हैं, इससे पहले हम एक रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लैटिस और बेसिस के बारे में। तो लैटिस बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, और जब हम उन इमेजिनरी पॉइंट्स पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर आती है। और वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि हमने इमेजिनरी पॉइंट्स लैटिस पे रखे थे, उनको हम कहते हैं बेसिस। सो लैटिस इज द इमेजिनरी पॉइंट्स, एंड व्हेन वी प्लेस एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑन दिस इमेजिनरी पॉइंट्स, देन दीज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर कॉल्ड बेसिस। और लैटिस प्लस बेसिस मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? तो लैटिस और बेसिस के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे लेटेस्ट पॉइंट को स्पेस में दिखाने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर्स। क्लियर? इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट लेटेस्ट पॉइंट इन द स्पेस, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, थ्री नॉन कोप्लेनर यूनिट वैक्टर्स। नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि तीनों जो यूनिट वैक्टर्स हैं वो अलग अलग प्लेन्स में होने चाहिए, तब हमें क्या, वो जो वैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास ट्रांसलेशन वैक्टर्स। सो ट्रांसलेशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट गिव्स द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांसलेशन। क्लियर? कि ये एक वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमें किसी चीज के बारे में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। सो द ट्रांसलेशन वेक्टर इज द डिस्टेंस थ्रू विच एन एटम मस्ट बी मूव्ड इन ऑर्डर टू बी इन द नेक्स्ट यूनिट सेल। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स अ फिगर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। देखते हैं, अब हम डिटेल में देखते हैं लीनियर लैटिस क्या होता है। अ रो ऑफ पॉइंट्स रिपीटेड बाय रेगुलर इंटरवल ए इज शोन एंड इज कॉल्ड द लीनियर लैटिस। देखिए, बेसिकली ट्रांसलेशन वेक्टर्स हमारे पास होते क्या है, सपोज करो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तीन एक्सिस की, एक्स, वाई और जेड। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, प्लेन की हम बात करेंगे, टू डायमेंशन की हम बात करते हैं। तो टू डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गए, आपके पास लेटिस हो गए। स्पेस में हमने डिफाइन किया था कि लेटिस क्या है, हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। क्लियर? ये हमारे पास लेटिस हैं, और इनके बीच में यहाँ पे हमने क्या रखा था, इन लेटिस पॉइंट्स पे हमने जब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को रख दिया था, तो ये हमारे पास बेसिस हो गए थे, और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में हम इन लैटिस पॉइंट्स को मूव करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वेक्टर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो वेक्टर्स हमें चाहिए, दैट इज नोन एज योर ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। अब अगर हम लीनियर लैटिस की बात करें कि हमने सिर्फ एक लैटिस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए, एक वेक्टर से हमने इसको डिनोट कर दिया। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास लीनियर लैटिस। क्लियर है? अब अगर हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग अलोंग हमें इसको यहाँ भी मूव करना है, वाई एक्सिस में भी मूव करना है, वाई एक्सिस में इधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू डायमेंशनल लैटिस। इफ द पैटर्न इज रिपीटेड एट एन इंटरवल बी, क्लियर, बिलो इन द फिगर अलोंग विद ए, कि ए के साथ साथ अगर हम बी पोजीशन पे भी उसको मूव करते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, ये डिस्टेंस ए था। अब अगर हमें वाई के अलोंग भी मूव करना है, तो ये डिस्टेंस बी हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स है कि किसी लैटिस पॉइंट को अब अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना चाहते हैं, वहां उसके लिए जो हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, दैट वेक्टर्स आर नोन एज योर ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। अब अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, तो थ्री डायमेंशन में क्या है कि ए, बी और के साथ साथ हमें अगर उसको सी में भी बेस, सी में भी उसको मूव करना है, तो जैसे ये आपका ए में मूव किया, बी में और सी में। क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ए डायरेक्शन के लिए ये मूवमेंट हो गई, ये हो गई आपके पास बी के लिए, और इसी तरीके से सी के लिए अगर हम बात करते हैं, ये थ्री डायमेंशन हो गया हमारे पास। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास थ्री डायमेंशनल स्पेस से लेटिस। आई होप ट्रांसलेशन वेक्टर्स आपको समझ में आ गए। अगर भी कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो ए, बी और सी है, इनको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल
वेक्टर्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसका कैसे निकालते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी लेटिस इन द टू डायमेंशनल इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू एन वन ए प्लस एन टू बी। तो टी जो है यहाँ पे वो आपके पास है ट्रांसलेशनल वेक्टर और ए और बी ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है, टी आपके पास ट्रांसलेशन है, एन वन एन टू आर इंटीग्रल इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर टू ऑफ लैटिस पॉइंट्स, कि कितने लैटिस पॉइंट्स हैं आपके पास। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो एन वन ए एन टू बी एन थ्री सी, तो ये एन वन जो है आपके पास ये बताएंगे कि कितने लैटिस पॉइंट्स पे आपको आपको मूव करने के लिए कितने लैटिस पॉइंट्स चाहिए, और ए बी सी आपके पास क्या है ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।